नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेजर इंडियन राइटर्स में रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है साथियों, और एक बात का मुझे पक्का विश्वास साथियों, आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि अगर आप रस्किन बॉन्ड से कोई भी क्वेश्चन पुट अप होगा तो हमारे इस सेशन के बाहर नहीं होने वाला। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड के बारे में, नेक्स्ट वन है मेजर इंडियन राइटर में रस्किन बॉन्ड, बॉर्न इन इंग्लैंड, नाउ लिव्स इन मसूरी, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, फिलहाल ये मसूरी में रहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉवल की यदि बात की जाए, रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट नॉवल इज द रूम ऑन द रूफ। फिर से देख लें, रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट नॉवल इज द रूम ऑन द रूफ, ईयर 1956। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस नॉवल के माध्यम से इन्होंने कौन सा प्राइज जो है वो जीता, वो है आपके प्राइज इन्होंने जीता जॉन एल राइस प्राइज। फिर से देख लें, रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट नॉवल इज द रूम ऑन द रूफ, और इस नॉवल ने कौन सा प्राइज जीता, जॉन एल राइस प्राइज। यहां कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉवल का टाइटल पूछे द रूम ऑन द रूफ, और इस नॉवल के माध्यम से उन्होंने कौन सा प्राइज जीता, जॉन एल राइस प्राइज। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन आपका, इज नोटेबल वर्क्स, उनके फेमस और नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं, आपको सिर्फ इनके टाइटल ध्यान में रखने साथियों। फर्स्ट वन आपका द रूम ऑन द रूफ, सेकंड वन ए फ्लाइट ऑफ पिजंस, एंड थर्ड वन है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। अच्छे से देख लें, नोटेबल और फेमस वर्क्स की बात की जाए तो आपको इनके टाइटल ध्यान रखने हैं, ज्यादा आपको कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं साथियों, सिर्फ आप इनका टाइटल ध्यान रख लें। रस्किन बॉन्ड से थ्री फेमस नोटेबल वर्क्स आर द रूम ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजंस, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये आप अच्छे से देख लें। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड वन, अवार्ड्स, आप रस्किन बॉन्ड ने कौन कौन से अवार्ड जीते। फर्स्ट वन आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड, सबसे इंपोर्टेंट आपके साहित्य एकेडमी अवार्ड, इन्होंने 1992 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। और सबसे इंपोर्टेंट इसी में आगे देखें आप, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर ले साथियों, और साहित्य एकेडमी अवार्ड जो इनको 1992 में मिला वो इनकी क्रिएशन आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला। यहाँ की चीजें हैं, तीन क्वेश्चन अच्छे से आप देख लें। रस्किन बॉन्ड गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर हिज फेमस क्रिएशन आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। वो करेंगे अवार्ड्स में, नेक्स्ट वन का अवार्ड इनको मिला पद्मश्री, पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड जॉन एल राइस प्राइज। और जॉन एल राइस प्राइज, जैसे कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जॉन एल राइस प्राइज इनको इनके फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ के लिए मिला। तो यहाँ ये अवार्ड्स का जो सेशन है, अवार्ड्स का जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना साथियों, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन यदि पुट अप होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला। इसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साथ में जॉन एल राइस प्राइज इनको इनकी क्रिएशन इनके फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ के लिए मिला। वो करेंगे नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी। अब ज्यादा नहीं, इसमें आप सिर्फ ध्यान रख लें, रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इज अनटचेबल, ये भी फेमस क्रिएशन है, अंडर ग्रेजुएशन सिलेबस में भी है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से देख लें, सिर्फ इसका टाइटल ध्यान रखें। इसका द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी नॉवल आपके रस्किन बॉन्ड के फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो है वो है अनटचेबल। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, हिज ऑटोबायोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रस्किन बॉन्ड्स ऑटोबायोग्राफी एंड द नेम ऑफ रस्किन बॉन्ड्स ऑटोबायोग्राफी इज लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी। रस्किन बॉन्ड्स ऑटोबायोग्राफी इज द टाइटल ऑफ रस्किन बॉन्ड्स ऑटोबायोग्राफी इज लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी। इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन सिर्फ दो ही क्वेश्चन है साथियों, इसमें भी आप एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटेड राइटिंग्स जो है, अगर थोड़ा सा हटके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको, वैसे तो आपको फाइव क्वेश्चन बताए, यहां तक सफिशियंट आपकी इंफॉर्मेशन है, रस्किन बॉन्ड का कोई भी क्वेश्चन हमारे पांच से क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। बट यदि एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछे तो ये ध्यान रखिए आप, ट्रांसलेटेड राइटिंग इनकी कौन कौन सी है, तो ट्रांसलेटेड राइटिंग इनकी फोर है। फर्स्ट वन है, देख लें इसको एक बार टाइटल ध्यान रखें आप, यू आर आनंद मूर्ति संस्कार, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी,
कन्नड़ लैंग्वेज में यू आर आनंद मूर्ति की संस्कार जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में ही वो इनके द्वारा ट्रांसलेटेड की गई है, और टी एस पिल्लई की जमीन जो है ये मलयालम लैंग्वेज में थी वो इसके द्वारा ट्रांसलेट इनके द्वारा ट्रांसलेट की गई। एंड थर्ड वन है बामाज संगाती इवेंट्स, ये तमिल लैंग्वेज में थी, इनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है। एंड लास्ट वन मोहंतीस प्रजा, ये उड़िया लैंग्वेज में थी जो कि इनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है। ये एक बार इनका अगर एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रांसलेटेड राइटिंग में आप देख लें, ट्रांसलेटेड राइटिंग में इनकी कौन कौन सी जिन्होंने जो कौन कौन सी ऐसी ट्रांसलेटेड राइटिंग है जिसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया, संस्कार जमीन संगति इवेंट्स एंड प्रजा जो कि कन्नड़ मलयालम तमिल एंड उड़िया लैंग्वेज में थी। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ, इसके टाइटल ध्यान रखने बस आप। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फेमस वर्क्स की बात करेंगे, कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं, तो एक चीज समझिए ये फेमस वर्क्स मैंने ज्यादा नहीं सिर्फ आप लोगों के लिए दो ही लिखे, फर्स्ट वन है द सेवन हस्बैंड्स ऑफ सुजैन। अब जो इसका जो आपका फेमस वर्क है इनका रस्किन बॉन्ड का द सेवन हस्बैंड्स ऑफ सुजैन, इस पे इंडियन बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था सात खून माफ, तो इसमें देखने आप द सेवन हस्बैंड्स ऑफ सुजैन। एंड द सेकंड वन इंपॉर्टेंट इनका जो फेमस वर्क है वो है राणाजी स्पॉट, अभी राणाजी स्पॉट एंड द सेवन हस्बैंड्स ऑफ सुजैन। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इनका दोनों का आपको टाइटल ही ध्यान में रखना है ताकि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो जो आपका राणा जी वोट है, सेवन हस्बैंड ऑफ सुजैन है, ये इनके राइटर कौन है, तो सीधा सीधा इनका आंसर होगा आपके रस्किन बॉन्ड। और याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ज्यादा लंबा नहीं लेना आपको, बस छोटा सा ही देख लें आप कि राणा जी में और सुजैन में, राणा जी में और सुजैन में क्या थी, अच्छी बॉन्डिंग थी। ये लो हो गया यार, राणा जी और सुजैन में अच्छी बॉन्डिंग थी, तो यदि राणा जी स्पॉट द सेवन हस्बैंड ऑफ सुजैन आ जाए तो राइटर होंगे के रस्किन बॉन्ड। और ट्रांसलेटेड राइटिंग का एक बार आप इनको समराइज कर लेना, इनका टाइटल देख के चले जाना। इसके अलावा जनरल क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा साथियों तो आपके इन फाइव क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं होने वाला। इनके अवार्ड्स हमने देख लिए और इनका फर्स्ट नॉवल हमने देख लिया, नोटेबल वर्क हमने देख लिए और इनकी ऑटोबायोग्राफी हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट 5+2 यानी 7 क्वेश्चंस का सेशन था हमारा रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड से यदि कोई क्वेश्चन आएगा साथियों तो इससे बाहर नहीं होगा, और आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से ये मेरे द्वारा दिए जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपको पसंद भी आए होंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ बराबर आप मेरी क्लास से जुड़ते रहें, और कहीं लिटरेचर में आपको कहीं कोई घबराने की, कोई चिंता करने की, परेशानी की बात नहीं है। हमारे सेशन में अगर आप कंप्लीट अगर सेशन को आप ज्वाइन करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इनकी स्टडी कर लेंगे, तो लिटरेचर में कहीं घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमें जैसे ही हमारा मेजर इंटरनेटस कंप्लीट होगा इसके बाद हम मूव करेंगे लिटरेरी मूवमेंट्स पे, और जैसे लिटरेचर पोर्शन पूरा होगा देन वी विल मूव फॉर ग्रामर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों एक और नए मेजर इंटरनेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।